कुतुब मीनार भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी और सिकंदर लोदी ने अपने अपने शासनकाल में बनवाया था। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भारत समेत दुनिया भर से हर साल करीब 30 से 40 लाख पर्यटक कुतुब मीनार देखने आते हैं। वर्तमान समय में पर्यटकों को केवल बाहर से ही कुतुब मीनार का दीदार करना पड़ता है। मीनार के अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। करीब 42 साल पहले पर्यटकों को कुतुब मीनार के अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने कुतुब मीनार के अंदर जाने वाले दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बात 4 दिसंबर 1981 की है। शुक्रवार के दिन कुतुब मीनार पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था। मीनार के दरवाजे पर अंदर जाने की कोशिश में भीड़ लगी हुई थी। सुबह के करीब 11:30 बजे अचानक मीनार के अंदर की लाइटें बंद हो गईं। इस दौरान 500 से अधिक लोग मीनार के अंदर थे। हालांकि मीनार में हवा और रोशनी के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ छेद बने हुए थे, लेकिन डर की वजह से पर्यटक सुरक्षित जगहों की तलाश में खिड़कियों के पास जाकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से मीनार के अंदर आने वाली रोशनी बंद हो गई और इसके अंदर अंधेरा छा गया। इसी बीच किसी ने कुतुब मीनार के गिरने की अफवाह फैला दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मीनार के मुख्य गेट पर तब स्टील के भारी भरकम दरवाजे हुआ करते थे, जो अंदर की ओर खुलते थे, लेकिन जैसे ही अंदर लोगों की संख्या बढ़ी, चौकीदार ने दरवाजे बंद कर दिए। जब सैकड़ों लोगों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजे चौखट से चिपक गए। ऐसे में बचाव कर्मी कुतुब मीनार के गेट के पीछे मौजूद लोगों की भारी भीड़ के कारण अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग अंधेरे में मृत और घायल अवस्था में पड़े थे। सौभाग्य से मरम्मत करने के लिए कुतुब मीनार के पीछे एक मचान बनाया गया था। इसके बाद बचाव कर्मी इसी मचान से अंदर घुसे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन इस दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिनके शवों को बाद में बाहर निकाला गया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचती, तब तक मृतकों को कुतुब मीनार परिसर में रख दिया गया था और घायलों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। दोपहर 3:30 बजे तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि कुतुब मीनार हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हो चुके हैं। भगदड़ की असल वजह क्या थी? इस घटना के दौरान जीवित बचे लोगों का कहना था कि कुछ उपद्रवी लड़कों के एक समूह ने अंधेरे में महिला पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया था, और जब उन महिलाओं ने नीचे की ओर भागने की कोशिश की तो वहां भगदड़ मच गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी छेड़छाड़ की शिकायत से इनकार किया था, लेकिन उस वक्त की न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया था कि न्यूजीलैंड के 2 पर्यटकों जैकी और मैरी ने आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की जांच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश चंद्र की जांच रिपोर्ट में भी विदेशी महिला पर्यटक के उत्पीड़न का जिक्र किया गया था। इस मामले में दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि 4 दिसंबर 1981 की सुबह 10:50 से लेकर 12:30 बजे के बीच मीनार में कोई बिजली की कटौती नहीं हुई थी। सुबह 9:15 बजे एक ट्रक बिजली के एक खंबे से टकरा गया था, जिससे बिजली गुल हो गई थी। इसके थोड़ी देर बाद 10:50 पर बिजली वापस आ गई, लेकिन चंद्रा आयोग की रिपोर्ट में बिजली की विफलता को त्रासदी के मुख्य कारणों में से एक माना गया था और इसके लिए दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम यानी कि डेसू को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को भी खराब व्यवस्था के लिए समान रूप से दोषी ठहराया गया। जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भगदड़ तब मची थी जब एक लड़की जो कि न्यूजीलैंड के पर्यटकों में से एक नहीं थी, वो मीनार के 8वें वेंटिलेटर के पास फिसल गई थी। इस दौरान कुछ लड़कों ने झूठा अलार्म बजा दिया कि कुतुब मीनार गिर रही है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और इस तरह एक अफवाह के कारण एक बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और इसी कारण आज भी कुतुब मीनार के दरवाजे बंद हैं।